बोलो अयोध्या धाम की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो। प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, अयोध्या नगरी का इतिहास बहुत पुराना है। राजा मनु से चला आ रहा है, ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। आइए, भगवान श्री राम जी के हम यहाँ पर अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ वंशावली का भी हम जहाँ दर्शन कर लें। कितने प्रतापी राजा हुए ये भी देखने में आता है। तो भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, उनके मरीचि हुए, मरीचि जी के कश्यप, कश्यप जी के सूर्य। इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। सूर्य के विवशवान, मतलब इनका नाम विवशवान नाम है, तो इनके पुत्र विवस्तत मनु हुए। इनके पहले तो पुत्र नहीं हो रहा था, बाद में इन्होंने जब तप करवाया, और मतलब जो राजा जी थे भी चाहते थे कि पुत्र हों, और रानी जी की इच्छा थी कि पुत्री हों। मतलब ये सूर्यवंश की ऐसी पहली रानी है भैया जो पुत्री के लिए इतना संघर्ष कर रही है। क्या संघर्ष, क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने धीरे से जाकर जो हवन कराने वाले होता ब्राह्मण और पंडित लोग होते हैं ना, उनसे जाकर के कह दिया कि देखो, अगर पुत्र हुआ ना सबकी दक्षिणा कटेगी, और अगर पुत्री हुई तो सबको खूब दक्षिणा आदान दक्षिणा प्राप्त होगी, इसलिए ऐसा मंत्र पढ़ दो पुत्री हो जाए। और उन्हें क्या था, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया, राजा को पुत्री हो गई। बाद में राजा ने जाकर की खबर महाराज जी को दी। महाराज जी, कैसे हो गया, मुझे तो पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे? महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे हो गया? उन्होंने ब्राह्मणों से, अपने होता ब्राह्मणों से जाके कहा, ओ होता, कैसे खाया गया होता, बताओ क्या गड़बड़ की है तुमने? तो उन्होंने बताया, बस रानी जी ने कहा था अगर पुत्री हुई तो बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, सो हमने मंत्र बदल दिए और अब पुत्री की प्राप्ति हो गई है इनको। सुन करके जो मुख्य जो संत थे, मुख्य जो ऋषि थे यज्ञ कराने वाले, उनके कुलगुरु जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, जाकर के कहा उन्होंने राजा से कि देखो राजन, तुम दोनों पति पत्नी एकमत नहीं हो और मुझे बीच में फंसा दिया। अब देखो पुत्री मिल गई, अब उसमें ही प्रसन्न रहो। राजा जी बोले, नहीं हमें तो पुत्र चाहिए। बोले, अब कैसे हो सकता है, अब तो पुत्री हो गई। बोले, नहीं महाराज, अगर आपका अगर आशीर्वाद हो तो ये पुत्री ही पुत्र बन जाएगी। बाद में उन्हीं संत की कृपा से इस वंश में राजा विवस्तत मनु के कई पुत्र हुए। इनमें से ही एक पुत्र रेवत जी हुए, जिनकी पुत्री रेवती जी हैं, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के दाऊ भैया से होता है, और बड़े धूमधाम से विवाह होता है भैया। और इसके बाद में एक इन्हीं के वंश में शर्याती नाम के राजा हुए। इनके नभग के नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र भक्त सम्राट राजा अम्बरीश जी हुए। सज्जनों, राजा अम्बरीश बड़े महान राजा हुए। सारी पृथ्वी पर इनका एक छत्र निष्कंटक राज्य होने के बाद भी हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। 2400 घंटे उनकी सेवा की, भक्ति की मन में बात लगी रहती, और इतने बड़े राजा होने के बाद भी जरा सा घमंड नहीं, सब भगवान को सौंप रखा है। प्रभु, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप सब राज्य संभाल लो। और भगवान उनका सब राज्य वही संभालते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी सेवा इन्होंने कर रखी है, ऐसा प्रसन्न कर रखा है इन्होंने भगवान को, कि भगवान भी गदगद हैं उनकी सेवा से। सज्जनों, हमें यहाँ पे सीख मिलती है, और काम किसी और से करवा लो, पर भगवान के काम, सेवा के काम खुद करना चाहिए। अच्छा, एक बार की बात है, कर्ण की कथा, आपने कर्ण की बात तो सुनी रखी होगी, नाम तो सुना ही होगा, दानवीर कर्ण। कर्ण ने जीवन भर दान किया, पर अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ा। उसने कहा, भाई प्रभु ये क्या कर दिया, मैंने तो दान किया था, मुझे क्यों भिखारी बना दिया? भगवान बोले, तुमने दान तो किया था, पर क्या जीवन भर में कभी एक बार भी किसी गरीब असहाय असमर्थ को तुमने अपने हाथ से रोटी खिलाई, क्या तुमने कभी उसकी सेवा की? इसलिए एक जन्म तुम्हें बनना पड़े। इससे क्या सीख मिलती है, कि जो भी दूसरों की सेवा, असहाय असमर्थ की सेवा, उनको ठीक करने का, उनकी किसी काम आने का कोई भी मौका यदि हमें मिलता है, तो उस मौके को हमें जाने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, खुल करके सेवा करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने क्या किया? राजा अम्बरीश ने भी तो सेवा की,
अच्छा इनकी पत्नी भी सेवा भावी आ गई, उन्होंने कहा स्वामी मैं भी सेवा करूंगी, एक काम करो सुबह की आरती आप कर लो, श्याम की आरती मैं भी कर लिया करूंगी। कहा नहीं दोनों ही हम करेंगे। कहा फिर ठाकुर जी के लिए भोजन मैं बना दिया करूंगी, लगा आप दिया करना। कहा ये भी नहीं वो भी हम करेंगे, तो मुझे भी तो कुछ सेवा करने दो स्वामी। सुन करके राजा बोले चिंता मत करो, आपके लिए अलग से ठाकुर जी मंगवाए देते हैं। और जब उनके अलग ठाकुर जी आ गए तो दोनों मिल करके अपने अलग अलग ठाकुर जी की सेवा में लग गए। एक दिन राजा अम्बरीश अपने ठाकुर जी को सोते से उठाते हैं, उनको तैयार नहाने के लिए कर रहे थे और उनके वस्त्र निकाल रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ उनकी जो रानी जी हैं वे अपने ठाकुर जी को सोते से उठा रही हैं और उठाते उठाते बढ़िया मधुर सुंदर भजन गा रही हैं। इतना सुंदर भजन गा रही हैं कि राजा के कमरे तक आवाज़ ही नहीं आई। कपड़े निकालने के बाद भगवान को निलाना भूल गए और भजन सुनने में ही मस्त हो गए राजा, तो उन्हें कुछ होश ही नहीं है। और बेचारे ठाकुर जी ठंड का मौसम ठंड में ठिठुर रहे, क्या करें, राजा ही भजन सुनने में मस्त है। कितना सुंदर भजन है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रामना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जान हाथ से धोना है। बोलो परेशान वारी की।
परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी से राज करके समझाते हैं। पति पत्नी तो एक ही हैं, क्यों अलग अलग हो, मैं दोनों की सेवा से प्रसन्न हूँ। और ऐसा कह करके दोनों की सेवा ही भगवान ने स्वीकार की। प्रसन्न मन से मिलके दोनों सेवा करने लग गए हैं। ऐसे राजा अम्बरीश जी के वंश में युवनाश हुए, युवनाश के मानदाता, मानदाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र। सज्जनों, इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र जी आए हैं, जिन्होंने सत्यवादिता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इनके रोहित रोहित के बाहुक बाहुक के सगर, और सगर की दो पत्नियां, बड़ी पत्नी से एक पुत्र, दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र हुए। जब इन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा कर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में रख छुपा दिया। घोड़े को ढूंढते हुए जब उनके 60,000 पुत्र पहुंचे तो भूल बस कपिल मुनि को ही अपराधी समझ बैठे, और उन्हें मारने जब दौड़े तो उन्होंने क्रोध दृष्टि में जला करके सारे के सारे पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। वहीं राख का ढेर हो गए। फिर प्रश्न उठा, उनका जो उनकी मुक्ति है वो कैसे हो? तो असमंजस, असमंजस के अंशमान तपस्या करते हैं। किससे पूछ करके? कपिल मुनि के बताने पर कि गंगा जी को लाया जाए और उनकी ही स्पर्श से इनका उद्धार होगा। अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, लगातार 3 पीढ़ियों की तपस्या से ही जैसे तैसे प्रसन्न हुए। कौन? भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न किया और गंगा जी को भी किया। गंगा जी ने कहा मेरा वेग पृथ्वी शयन नहीं कर पाएगी, तो भागीरथ जी बोले मैया निश्चिंत रहिए, मैंने भोले बाबा को पहले ही मना लिया है। और पृथ्वी लोक पर, मतलब भगवान के चरणों से निकलती हुई गंगा जी जब आती हैं, देवलोक ब्रह्मलोक आदि से होते हुए 4 भागों में बढ़ जाती हैं, सीता लखनंदा चक्षु और भद्रा, एक धारा उसमें से पृथ्वीलोक की ओर आई है। और कहाँ पर आई है? भागीरथ जी के पास में, और उस स्थान पर पहुँचती हैं जहाँ पर हम लोग गोमुख के नाम से हरिद्वार के निकट जो स्थान है वहाँ पर गंगा जी का आना हुआ। भोले बाबा ने जटाओं में धारण किया, भोले बाबा वहीं कैद करके ही रखने लग गए।
उन्होंने कहा नीचे भी तो जाने दो, यही रखने का इरादा है क्या? तो उन्होंने फिर नीचे जाने के लिए अपनी जटा ढीली की, नीचे गई गंगा जी और भागीरथ जी के साथ में चलते चलते वो पाताल लोक की ओर बढ़ने लग गई हैं। रास्ते में ही एक जन्नू बाबा जी की कुटिया पड़ी, उस कुटिया को वो अपने बेग में बहा ले गई। बाबा जी नाराज हो गए, उन्होंने 3 चिल्लू में पूरी गंगा जी पी ली। अब भागीरथ जी पीछे मुड़ के देखें तो गंगा जी दिख ही नहीं रही। उन्होंने जा करके पूछा कि बाबा जी, ओ बाबा जी, आपने गंगा जी को देखा है क्या? कितकुन दिख नहीं रही। तो बाबा जी ने बताया, भैया गंगा जी तो हमारे पेट में आराम कर रही हैं। अरे महाराज जी, आपने क्या कर दिया, 3 पीढ़ियों की तपस्या की गंगा जी आपने पेट में ही धारण कर ली, बाहर निकालना होगा आपको, कुछ करना पड़ेगा। संत तो दयालु हैं, गंगा जी को पुत्री के रूप में बाहर निकाला, तभी से उनका नाम जाह्नवी पड़ गया। बोलो जाह्नवी मैया की जय। वही गंगा जी की धारा प्रयागराज आदि से होते हुए गंगा सागर में विलीन हुई, वही धारा पाताल में गई और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलो गंगा मैया की जय हो। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है कि गंगा मैया ने प्रभाव तो, उनका प्रभाव तो बहुत है, लेकिन इस वक्त जिन छिप्रा मैया की गोदी में हम बैठे हुए हैं उनका प्रभाव भी कम नहीं है। शास्त्रों में उन्हें भी गंगा जी से कम नहीं बताया, इनकी महिमा भी बहुत है और उनकी गोदी में बैठकर हम कथा का आनंद ले रहे हैं, ये सौभाग्य है हमारा। आगे भागीरथ जी के खटवांग हुए, जिन्होंने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनके दीर्घबाहु जी के रघु हुए, रघु के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के अज के दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। और यहाँ से हम थोड़ा विस्तार से कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि राम जी का प्रागट्य होने वाला है। भगवान आते हैं, किस प्रकार आना हो रहा है उनका जरा देखिए। अवधपुरी रघुकुल मनीराओ, अवधपुरी रघुकुल मनीराओ, महाराज अज के पुत्र दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम तीनों लोकों में विख्यात प्रसिद्ध है। राजा दशरथ जी धर्म, धुरंधर और गुणों के भंडारी हैं। इनके नाम की सदैव जयकार होती रहती है। 3 रानियां भी इनकी हैं। कौन? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा 3 रानियां हैं जिनका पति के चरणों में बहुत अच्छा प्रेम है, और हरि के चरणारविंदों में जिनका पक्का दृढ़ निश्चय है, भगवान में श्रद्धा है। एक बार राजा बड़े दुखी हुए, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाई, मेरे पुत्र नहीं है इस बात को लेकर। और इसी बात को लेकर उन्होंने गुरु गृह गए हो, तुरंत में ही पाला चरण लाग कर बिना निशान, गुरु के यहाँ जाना पड़ा। इसके पीछे कारण भी है क्या? एक बार बहुत पहले वो गुरु के पास गए, गुरु के आश्रम जा रहे थे, रस्ते में ही उन्होंने द्वार पर ही बालक के रोने की आवाज सुन ली। ध्यान से सुना तो पता चला कि वशिष्ठ जी अपने पुत्र को डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुत्र तू कुछ पढ़ लिखा कर, तुझे बड़ा होकर ज्ञानी ज्ञानी बनना है। तो पुत्र उनको कह रहा है कि पिताजी, मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, आप तो पढ़ लिख करके राजा दशरथ के गुरु बन गए, और उनके कोई पुत्र होता तो मैं पढ़ लिख कर उनके पुत्रों का गुरु बन जाता, पर उनके तो कोई पुत्र ही नहीं, तो मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा क्या करूँगा। इस बात का राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ी गिलानी हुई। इसी दुख को लेकर वो अपने गुरु के पास जाते हैं। कोई भी सुख दुख की बात हो, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। गुरु गृह गए तो लत मई पाला, और वहाँ जाकर के चरण लाग कर बिने बिछाला आशीर्वाद लिया, फिर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो, सारा दुख सुख बताया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, तब कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया हो। क्या कहा? दरऊ धीर हो सुचारी,
त्रिभुवन विदित भगत बहारी। राजन धीरज धरिए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे चार चार पुत्र होंगे आपको, जो तीनों लोकों में शांति फैलाने वाले और भक्तों के घर को दूर भगाने वाले होंगे। वशिष्ठ जी संगी ऋषि को बुलवाते हैं। संगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भक्ति पूर्वक वशिष्ठ जी राजा दशरथ रानियों की आहुतियां देने से यज्ञ में साक्षात अग्निदेव का प्रागट्य हुआ। बोलो अग्निदेव भगवान की जय हो। अग्निदेव साथ में खीर लेके आए थे, राजा दशरथ को सौंपी है और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। जो आपके गुरु जी ने मन में विचार किया था वो सब आपका काम सिद्ध हो गया है आज। इसलिए इस पायस को, मतलब ये जो खीर है, इसको आप अपनी रानियों को यथा योग्य भाग्य दीजिएगा। ऐसा कहकर चले गए और राजा ने अपनी रानियों को जब खीर प्रदान की, किस तरह से पहले दो भाग किए, एक कौशल्या जी को सौंपा, फिर दो भाग किए, फिर केकई को सौंपा। शेष खीर के भी उन्होंने दो भाग किए और केकई और कौशल्या को देते हुए शेष बची हुई खीर उन्होंने किसको समर्पित की, माता सुमित्रा को समर्पित की, बची हुई पूरी खीर। लेकिन उनकी खीर एक चील उठा के ले गई और वो चील कहाँ ले गई, और दूर पर्वतों पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्ण हुई, मतलब उनकी जो तपस्या थी उसमें उन्होंने इधर इस तरह से जैसे ही प्रणाम करना चाहा तो यूं हाथ में उस चील ने वो खीर, वो प्रसाद छोड़ दिया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया तो वहां पर बजरंग बली, वीर बजरंग हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब प्रश्न उठा, सुमित्रा जी के पुत्र कैसे हो, खीर तो चील ले गई। तो दोनों माताओं ने अपने अपने भाग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन्हें प्रदान किया। तभी उन्होंने वचन दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने ये प्रदान किया है उसी प्रकार बदले में मैं भी अपने दोनों पुत्रों को आपके आपके पुत्रों की सेवा में सौंप दूंगी। भरत जी को राम जी की सेवा में और रिपुशोदन जी को, मतलब जो भरत जी महाराज जो हैं वो राम जी की सेवा में तो हैं ही हैं, साथ में सुमित्रा रानी के दोनों पुत्र किसकी सेवा में, केकई की और कौशल्या मैया की सेवा में। कैसे, लक्ष्मण जी के साथ में राम जी और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी, ऐसी उनकी जोड़ी भी बनी। और इस प्रकार उस खीर को प्राप्त करने के बाद लाभ प्राप्त हुआ तीनों रानियों को। जय विधि गर्व सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख बारी, जा दिन ते हरि गर्वई आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान माताओं के घर में आए सब तरफ आनंद छा गया। स्थिति माहौल कैसा है आइए हम देखते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरोर चर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष हरि का प्रिय लगने वाला अभिजित मुहूर्त है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिबीता। मध्य दिवस ये मानो दोपहर के 12 बजने वाले हो, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। मध्य दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुख विग्रह बाऊ हर्षित सुर संचन मन चाओ। बन कुसुमित गिर धन मनिहारा श्रवही सकल सरिता अमृत धारा। और देवता और संत प्रसन्न तो हैं ही, बल्कि वन इस तरह फूले हुए हैं, पर्वतों और नदियों से मानो अमृत की धारा बह रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान का प्रागट होने जा रहा है उस समय की सुख संत सुख संपत्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद है। और ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी और देवगण आए। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साज विमाना, बरसे सुमन सुरंजलि साजी गए गए गगन धुंध भी बाजी। आकाश मार्ग से पुष्पों की बरसात हो रही है, भगवान की स्तुति भी हो रही है। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं क्योंकि भगवान माता कौशल्या के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। मेरे साथ भाव से सभी गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के भवन में
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। माता उनके रूप को देखकर चौंक गई, देखती रह गई और हाथ जोड़ लिए और क्या कह रही है, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं भेद करहूं बनता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर भगवान को देखकर कह रहे हैं, हे शाश्वत सनातन प्रभु आपकी महिमा कैसे गाऊं, वेद पुराण भी आपका पार नहीं पा पाते। सुनकर के ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने माता को याद दिलाया क्या, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया को। भगवान ने उनकी पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई, उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में आपने मुझे पाने के लिए वर मांगा था, मैंने आपको वरदान दिया कि मैं आपको आपका पुत्र बनते हुए मिलूंगा, पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा और आज मैं आ गया हूं। माता सुनकर के माता का मात्सल्य भाव जाग गया है। माता फिर बोली, क्या बोली, माता पुनी बोली सोमती डोली गदा पदम धारण करके आओगे तो लोग आपको मेरा पुत्र समझेंगे या पिता समझेंगे। प्रभु अगर आपको बालक बनना है ना तो छोटा तो बनना ही पड़ेगा। तो भगवान बोले, माता मैं क्या करूं, बोले पहले तो छोटे हो जाओ नन्हे से बालक की तरह। भगवान छोटे हो गए, फिर पूछा आप क्या करूं, कहा अब चारों हाथ हटाओ, दो हाथ रखो केवल, किसी मनुष्य के चार हाथ होते हैं, दो हाथ भी हटा दिए, शंख चक्र गदा पदम हटाओ वो भी हटा दिए। अब माता अब ठीक है, माता बोली नहीं अभी ठीक नहीं है, अरे जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो कोई कपड़े पहन करके थोड़ी जन्म लेता है, वो तो एकदम नंगा धड़ंगा होता है, तो आप भी एकदम नंगे धड़ंगे हो जाओ। तो भगवान ने कहा अब चलो, माता कह रही है तो होना ही पड़ेगा, तो हो गए नंगे धड़ंगे। अब पूछा माता आप ठीक है, माता बोली अरे अभी भी ठीक नहीं है, अरे जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो तो रोता है और आप बातें करने लग रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, अब आपने अब जन्म लिया है बालक के रूप में तो रोना तो पड़ेगा प्रभु, तभी तो सही बालक की भूमिका आप निभा पाओगे, रोना तो पड़ेगा। सुनते ही भगवान ने कहा कैसा संसार है भैया, जन्म लेते ही रुलाता है, चलो माता कह रही है तो रो ही लेते हैं। और भगवान रो उठे, किस प्रकार, सुनी बचन सो जाना चरित जोगाई हरि पर पावई ते न परही बहुरूपा भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याकारी हरिशिष मेहतारी मुनि मनहारी हरि बुद्ध रूप
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बाल स्वरूप भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो देखा आप लोगों ने, इसे क्या कहते हैं, भक्ति की शक्ति सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को हंसाने रुलाने वाले को आज मेरी भक्ति स्वरूपा माता कौशल्या ने रुला दिया, इसे कहते हैं भक्ति। और इस प्रकार प्रभु का अवतार हुआ। इस प्रकार विप्र धनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धनु सुर संत हित, ब्राह्मण गाय देवता साधु संत जिनको जरूरत है उनकी सेवा करने रक्षा करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, अवतार लिए हैं। आइए भगवान के जन्म महोत्सव को हम और भी आनंद के साथ मनाएं। और हमारे जो भगवान के पिता और माता बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दशरथ जी और माता कौशल्या, उनको आइए हम बधाई देते हैं। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बधाई देते हैं, हाँ उसे मैं पहले बधाई दूंगा और फिर आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना दो बार बधाई हो बधाई हो, ठीक है। कौशल्या मैया बधाई हो, राजा दशरथ जी बधाई हो, कौशल्या मैया बधाई हो, राजा दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा पालकी न पालकी और आप लोग बोलना जय रघुबर लाल की, ठीक है। आपकी बारी आए तो चूकना मत, ठीक है। सभी मेरे साथ भाव से भगवान के जन्म का उत्सव का आनंद लेंगे, भाव से गाइए। आल की ना पाल की जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की जय रघुबर लाल की। हाथी दिने घोड़ दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़े जय हो पाल की, हाथी दिने घोड़े दिने और दिने पाल, हाथी दिने घोड़े दिने और दिने पाल। आइए जाती है, यानी जो बुरा लिखा रहता है अच्छे में बदल जाता है। तो इस पावन पर्व पर और इस भगवान के जन्म महोत्सव के अवसर पर यदि आपको अपनी किस्मत को खोलना है तो कंजूसी बिल्कुल मत करना, थोड़ा हाथ उठा करके भाव से आइए अब हम एक और बधाई के माध्यम से इस उत्सव को मनावे। इसमें सभी भाव के साथ उत्सव का आनंद लीजिएगा और मेरे साथ गाइए, बजे बजे रे अवध बधैया, बजे बजे रे अवध बधैया, अवध में राम जन्म में, अवध में राम जन्म में जय बोलो, बजे रे अवध बधैया बधैया, बजे रे अवध बधैया, अवध में राम जन्म में, अवध में राम जन्म में जय हरि बोल। राजा दशरथ मगन है
में बहुत सारी खुशियां लाए हैं, तो उस भाव से भगवान के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। हमारी संस्थान की टीम भी देखो किस तरह नाच रही है और माताएं भी किस तरह आनंद ले रही हैं। तो मेरा सज्जनों से निवेदन है, आप भी बैठे बैठे ही ताली बजा करके भाव से गाइए। आई बाहर भरत जी का भाई आया जनक का जवाई आया। भरत
जनक जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, मिथिला श्रृंगार हरि बोलो, ओ मिथिला श्रृंगार हाथ से गाइए आया था विलास भगवान की जय हो। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद लिया और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जन्म महोत्सव का दिन है और ये सिंहस्थ का पर्व है और साथ ही साथ महाकाल की गोदी है जिसमें बैठकर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये मौका जाने मत दीजिए, ये अवसर बार बार नहीं आता। इस अवसर पर आप जितना दान कर सकते हो कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर आप जो भी दान दोगे, सिंहस्थ में आप जो भी दान दोगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा और ये फल, ये मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए गरीब असहाय असमर्थ और विकलांग भाई बहनों की सेवा करने का आपके पास बहुत अच्छा अवसर है आज के दिन। जितना हो सके दान कीजिए और इस कथा का आनंद आप अपने घर में बैठ कर ले सकते हैं। और ऐसी कौन सी संस्था है जो आपको इस तरह का पुण्य दिला सकती है? मैं तो कहता हूँ, मुझे तो एक ही संस्था दिखती है जो पूरी सेवा के साथ में, पूरे मन के साथ में विकलांगों की सेवा में लगी हुई है निरंतर कई वर्षों से, और वो है नारायण सेवा संस्थान और सेवा परमो धर्मा ट्रस्ट, जिसमें विकलांग भाई बहनों की बहुत प्यारी सेवा की जाती है, उन्हें जीवन दिया जाता है। और बस मैं यही कहूँगा, आज हमने भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया है, कल हम विवाह उत्सव की कथा का और आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगा, वाणी को यहीं पर विराम। सबको जय श्री। बधाई हो समूचे विश्व को नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से। उज्जैन मध्य प्रदेश की इस पावन धरा से मैया क्षिप्रा का तट है और महाकाल का अनंत अनंत आशीर्वाद है। ऐसी अमृत वर्षिणी भूमि से समूचे संस्थान परिवार की ओर से रामलाला अवतरण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। प्रभु का अवतार तब होता है जब भक्त उन्हें प्रेम से पुकारता है। इसी पुकार के चलते ऐसी अनेका अनेक उन विकलांग जनों की पुकार, उन निशक्त जनों की पुकार अनेक भक्तों ने सुनकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने इस पुकार को सुना, इस टीस का अनुभव किया और अपना सहयोग उन बच्चों के लिए भेजा है, उनके नाम आप सभी के समक्ष अति आदरपूर्वक लेना चाहती हूँ। पहले आप जोरदार तालियां बजाकर उन सभी का अभिवादन करें। आदरणीय नितेश जी रोहतक से औषधि सहयोग भेजते हैं, आपका धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र नारायण जी तिवारी बनारस से औषधि सहयोग भेजते हैं। आदरणीय अनिल जी लुधियाना से 21,000 रुपये की सहयोग राशि रामलाला अवतरण की खुशी में और नन्हे नन्हे मासूम बचपन के लिए भेजते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय चंपालाल जी की ओर से 1 बच्चे के सेवार्थ सहयोग प्राप्त होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय काबरा साहब की ओर से 1 बच्चे के लाभार्थ सहयोग प्राप्त होता है, आपका धन्यवाद। आदरणीय महेश जी शर्मा उदयपुर से ट्राइसिकल सहयोग भेजते हैं, सर आपका भी साधुवाद, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय रुपेश जी गर्ग दोसा से 1 बच्चे के सेवार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय गिरीश जी शर्मा दाली से 1 बच्चे के कल्याणार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय श्रीमती गिरिजा देवी वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह बासा बोरिया कानपुर से 1 बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय ईश्वर भाई एवं सविता बहन बड़ोदरा से पैसा की सहयोग भेजते हैं। आदरणीय कल्पना जी पाल रायपुर से 1 बच्चे के कल्याणार्थ अपना सहयोग समर्पित करती है, मैम आपका साधुवाद, जोरदार तालियां आपके लिए उज्जैन महाकुंभ के इस पावन धरा से।
आदरणीय जमुना देवी कश्यप एवं ज्योति महिला मंडल रायपुर की ओर से ट्राइसिकल सहयोग प्राप्त होता है, मैं आपका साधुवाद। आदरणीय बीके गोविल गाजियाबाद से 10,000 रुपए की सहयोग राशि भेजते हैं, सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय उषा गुप्ता जी मुंबई से औषधि सहयोग भेज कर अपना सहकार समर्पित करती है। समूचे संस्थान परिवार की ओर से सभी कोई दानदाता का साधुवाद देते हुए सत्कार करते हुए प्रणाम समर्पित करती हूँ। आप स्वीकार करें और बने रहिए, इसी प्रकार जुड़ने के लिए डायल करेंगे उन नंबर को जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे हैं। कल फिर ठीक 10 बजे हम मिलेंगे आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू होकर। आइए मिलकर हम सब राम लाला की आरती उतारें, उससे पहले कुछ पंक्तियां आपसे मैं पाठती चलूं। किसी को कुरान में ईमान न मिला तो किसी को गीता में भगवान न मिला, उस इंसान को खुदा क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। हम सब परमात्मा की कृपा से मानव देह प्राप्त करके इस धरती पर आए तो मानवता का परिचय देते हुए उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बचपन को बचा लेते हैं और उनके भविष्य निर्माण हेतु, उनके पुनः निर्माण जीवन हेतु हम थोड़ा थोड़ा दान उज्जैन महाकुंभ की इस पुण्यशाली धरती से कर अनंत पुण्य प्राप्त करने का ये शुभ अवसर कतई न छोड़े। हम सबको बहुत बहुत परमात्मा की कृपा से आशीर्वाद से इस धरती पर आने का अवसर मिला और उज्जैन की इस पावन धरा पर बैठकर बाल व्यास दुल्हा सरकार है हमारे, ये तो परम पूज्य शाश्वत जी महाराज जी का सानिध्य मिला। आप श्री ने अनंत अनंत प्रभु के आशीर्वाद और गुरु कृपा से व्यासपीठ को पा लिया है और अब समूचे विश्व में हिंदू धर्म का परचम फैलाते हुए पूज्य शाश्वत जी महाराज अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से समूचे देश को भाव विभोर कर रहे हैं और अनंत अनंत जनता को परमात्मा की भक्ति के रंग से रंग रहे हैं। प्रभु भी आप पर अनंत आशीर्वाद बरसाएं। बोलिए एक बार शाश्वत जी महाराज की जय हो, जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए मिलकर आरती का दर्शन करें। जय श्री बालक राम तेरी आरती गाओ, हे बालक राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कौर जाओ, हे बालक राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जो दशरथ नंदन जनक किशोर, छिन छिन पल पल रूप निहारू, हे बालक राम तोरी आरती गाओ, हे प्रभु राम तोरी आरती गाओ। Thank you.
राम प्रभु की आरती उतारो रे सभी उतार राम प्रभु की आरती उतारो रे सभी ओ उतारो रे सभी तन मन वारो रे सभी उतारो रे सभी तन मन वारो रे सभी हमारे राम प्रभु की आरती उतारो रे सभी संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा।